just roaming around in the market, and I got to know that this Chatham is the first mill of Asia. It's Asia's first mill, and it was built in 18th when Britishers first came. So first the Kalapani jail was made, and then this was made, and this is how they made all their offices, the furniture, everything, the infrastructure that they made. They start their idea from here. So it's a bit shocking for me, being India as a vast country over here, being a vast country, and the constitution being written over there, but still they chose this place to make the headquarters. And it does make sense. Why to risk everything and go directly into a country where you don't know nothing, especially if you are trying to invade in the country and going to overrule it? It's better to take a risk and go on an island and do it, and this is what they chose. It's closed today. I'm really sorry I won't be able to show you, but it's open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 2 p.m. This is the only place, same place where the bomb blast had happened in 1880, the first bomb blast which they ever tried. And they got museum over here. Around 600 people work over here now. 140 साल और रॉस आइलैंड में जो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था, हेडक्वार्टर वही था, काला पानी। उसका बाद ये बना, पहले काला पानी फिर ये बना। और अभी कितने करीबन कितने लोग काम करते होंगे यहाँ? 600 आदमी लोग काम करते हैं। 600 और इसी में म्यूजियम में? म्यूजियम भी इसी में, बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी में, बॉम्ब ब्लास्ट भी 43 में बॉम्ब डाला वाला जगह भी इसी पर। तो वो अभी जगह है या उसको उसकी जगह? हाँ, इधर ही है, सारा जगह इसी जगह है, देख सकता है। The woods are not from the Port Island, they go from somewhere else. They have been imported over here, then the wood is being made. No forest rules are being broken, no deforestation is going on. There's a limited area when they can get wood from. Sir, यहाँ से जो लकड़ियाँ आती हैं, वो लकड़ियाँ कहाँ से लेके आते हैं? जंगल से, जलघटन। जलघटन से? हाँ, और छोटे छोटे आइलैंड से भी लेके आते हैं शिप में, या अच्छा। पानी में गिराते, फिर उसके बाद फिर वो विंग से तानते। अच्छा, 1200 आदमी तक था यहाँ का लकड़ी, जय इंग्लैंड वगैरह जाता था, फिर उसके बाद कलकत्ता चेन्नई जाता था, वो ही बंद हो के यही अभी पूरा नहीं होता, कटाई लकड़ी कटाई कम कर दिया। अच्छा। शिवजी के एक और रूप को यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक अलग रूप से भी पूजा जाता है, जो उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज में होता है। यहाँ पे मोहिनी अवतार, जो शिवजी के, जो विष्णु जी के अवतार था एक मोहिनी का, उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है। तो जैसे नर्मदा परिक्रमा हो गई, कांवड़ यात्रा हो गई, तो अंडमान से भी खुद की एक यात्रा है जिसमें ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और कहीं आपको सिमिलैरिटीज़ ऑलमोस्ट 80% दिखाई देगी अगर आप केवल लैंग्वेज बैरियर ना देखें। तो इंजॉय कीजिए अंडमान्स में भी शिव शंकर का एक अलग रूप और उनके भक्तों का अलग रूप। एंड यहाँ पे अंडमान्स में जाके हम अब विष्णु के मोहिनी रूप से जानेंगे कि विष्णु कौन है। तो अगले एपिसोड के लिए, अगले न्यू सीरीज़ के लिए हम जा रहे हैं विष्णु को समझने के लिए, उन्हीं के धाम वृंदावन। I'm gonna make it.